जिसमें खेसारी जी हैं, काजल जी हैं, उनकी जोड़ी के तो फैन बहुत लोग हैं ही। जब से गुजराती ब्यूटी काजल नागवानी ने खेसारी से अपना दामन थोड़ा अलग किया है, तभी से आम्रपाली सुपरस्टार खेसारी पर मेहरबान होती नजर आ रही हैं। अब इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि वो उनके साथ अपकमिंग ग्रैंड फिल्म आशिकी में काम कर रही हैं। मगर फिल्म के अलावा भी आजकल जहां मौका मिलता है उन्हें खेसारी का बचाव करने का, वो खुलकर सामने आती है। ऐसा ही कुछ नजारा दिखा हमें इन दोनों की फिल्म आशिकी के सेट पर, जहां मीडिया से रूबरू होते हुए बातों ही बातों में एक्ट्रेस ने खेसारी का बचाव कर लगाई हेटर्स की क्लास। नंबर वन, खेसारी को बताया सबसे खुश मिजाज इंसान। खेसारी दूसरों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें दिमागी रूप से परेशान कर खुदकुशी जैसा कदम उठाने पर मजबूर करते हैं। वेल, ये कुछ ऐसे आरोप और बातें हैं जो पिछले काफी समय से खेसारी के बारे में किसी के जरिए सुनने या फिर खुद सामने से आकर कही जा रही थी। अब ये बातें किन लोगों ने कही और कब कही, ये आप हमसे बेहतर जानते हैं। मगर इनमें कितनी सच्चाई है, इस बात का तोड़ जवाब दिया आम्रपाली ने अपने हालिया खेसारी पर किए खुलासे से। आम्रपाली ने कहा, मैं एक्साइटेड नहीं बल्कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। उसकी एक बड़ी और खास वजह है ये फिल्म, क्योंकि इसमें मैं खेसारी जैसे स्टार के साथ काम कर रही हूँ। मुझे पता है कि मैं फिल्म पर जितने भी दिन काम करूंगी, मुझे सिर्फ और सिर्फ खुशी ही मिलने वाली है, क्योंकि खेसारी बहुत खुश मिजाज इंसान है। वो पूरे दिन सेट पर मौजूद हर शख्स को बहुत हंसाते हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि वो दिल के बेहद साफ इंसान है, उनके मन में किसी के लिए कोई गलत बात नहीं। आर्टिस्ट ने तमाम बातों से उन हेटर्स को ये साफ बता दिया है कि वो खेसारी के बारे में कुछ लिखना या बोलना बंद करें, क्योंकि जो शख्स खुद इतना लोगों का ख्याल रखता है, उन्हें खुश रखता है, वो भला क्यों किसी का दिल दुखाएगा। अब जानिए उनका दूसरा इशारा। नंबर टू, दोनों के बीच दिखेगा रियल वाला लव एंगल। अब तक खेसारी को जनता सिर्फ काजल नागवानी संग ही देखती आ रही थी। ऐसे में जब आशिकी जैसे टाइटल वाली फिल्म में आम्रपाली और खेसारी की जोड़ी दिखाई देगी इसका ऐलान हुआ, तो जनता थोड़ी मायूस थी। मगर आपको बता दें कि आम्रपाली ने इस इंटरव्यू में यह भी साफ कर दिया है कि अब तक वो जितनी बार भी खेसारी की लव स्टोरी वाले एंगल देखते आए हैं, इस बार कुछ बहुत अलग होगा। आम्रपाली ने कहा, मैं इस फिल्म में एक गरीब लड़की का किरदार निभा रही हूँ। हम दो ऐसे शख्स या किरदार बने हैं जिनका हालातों के बोझ तले प्यार डूबता नहीं बल्कि पार लगता है। यानी आपको इस फिल्म में हम दोनों के बीच रियलिस्टिक वाला लव देखने को मिलेगा कि कैसे दो शख्स जिम्मेदारियों में बंधे होने के बावजूद एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते, साथ ही जिम्मेदारियां भी बखूबी निभाते हैं। अब ये रियल वाला लव देखने को मिलेगा वाली बात आम्रपाली ने किसके लिए कही, भाई ये तो वही जाने। खैर, आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको वो तीसरा इशारा। नंबर थ्री, हेटर्स को दी कुछ भी ना लिखने और बोलने की सलाह। वैसे तो जो तीसरी अहम बात आम्रपाली ने कही वो सभी के लिए थी, मगर आजकल विवाद इन दोनों में से किसके नाम पर ज्यादा हो रहा है आप जानते हैं। ऐसे में आम्रपाली ने भद्दे कमेंट्स करने वालों को वार्निंग और गुजारिश दोनों ही लहजों में समझाते हुए कहा, मैं सभी दर्शकों से ये निवेदन करूंगी कि कौन किसके साथ क्या काम कर रहा है, कौन सी फिल्म कर रहा है, कौन सी नहीं, बजाय इस पर बात करने के आप बस हमारी फिल्म देखने आए, क्योंकि हम इस पर दिन रात धूप में तपते हुए भी काम करते हैं, सिर्फ इसीलिए ताकि आपको एक बेहतरीन एंटरटेनमेंट पैकेज दे सके। सहयोग कीजिए, टिप्पणी मत कीजिए, क्योंकि आपके भद्दे कमेंट्स हमें भी परेशान करते हैं। जब आप हमारे बारे में कुछ भी कहते या लिखते हैं तो ये देखकर हम भी दुखी होते हैं और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खोने लगते हैं, इसलिए ऐसा मत कीजिए। सिर्फ हमारे काम को देखिए, अगर अच्छा किया तो तारीफ कीजिए, वरना इधर उधर के विवादों को देखकर कमेंट मत कीजिए, सिर्फ काम को देखिए। आम्रपाली का खेसारी का बातों से बचाव करना फिल्म के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा, अब ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। फिलहाल इस पर आपका क्या कहना है, जरूर शेयर कीजिएगा अपना ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में। पूर्वांचल और भोजपुरी जगत की ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स और पल पल की खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पूर्वांचल लाइव को।